यूपी में कोरोना के मामलों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। कोरोना काल के बीच सीएम योगी ने कहा है कि पिछले 3 से 4 दिनों में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हुई है। सीएम ने कोविड केयर फंड की घोषणा कर बताया कि यूपी में कोरोना के कुल 308 मामलों में 168 तबलीगी जमात के मरीज हैं। उन्होंने बताया कि सरकार कोरोना को रोकने के लिए हर प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। पूरे देश में कोरोना के मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। यूपी में भी कोरोना के मामलों में काफी तेजी हो रही है। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या 300 के पार पहुंच चुकी है। इसी के चलते सीएम योगी हर दिन अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर कोरोना के निपटारे पर चर्चा कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, उन्होंने लिखा कि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है। पूरे विश्व के सामने एक विकराल स्वास्थ्य चुनौती है और इस परिस्थिति में मैं प्रभु श्रीराम से हम सबके बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। हम सब उन सभी स्वास्थ्यकर्मी डॉक्टर के हृदय से ऋणी हैं जो पूरी निष्ठा से निरंतर मानवता की सेवा में लगे हुए हैं। मेरी आप सबसे एक बार फिर से अपील है कि इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सफाई बरतें और घर में रहें। आज के दिन हम सभी जनों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करें जिससे हम नए भारत स्वस्थ भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित कर सकें। यूपी में कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार एक्शन मोड में हैं। मंगलवार शाम 5 बजे सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से बात करेंगे। इस बातचीत के दौरान सीएम सभी पत्रकारों से सुझाव भी लेंगे। कोरोना वायरस से संक्रमित ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की स्थिति बिगड़ने के बाद उन्हें लंदन के सेंट थॉमस अस्पताल के आईसीयू में शिफ्ट किया गया। बोरिस जॉनसन की हालत नाजुक होने के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राव ने फिलहाल उनका कार्यभार संभाल लिया है। कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत प्रधानमंत्री से लेकर मंत्रियों और सांसदों के वेतन में 1 साल के लिए 30% कटौती होगी। साथ ही सांसद निधि को 2 साल के लिए निलंबित करने का भी फैसला लिया गया है। इसकी पेशकश प्रधानमंत्री मंत्रियों और सांसदों ने खुद कोरोना संकट के मद्देनजर की थी, जिसके बाद कैबिनेट ने इस निर्णय पर मोहर लगाई। कोरोना वायरस का कहर देश में लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना के 704 नए मामले आए हैं, जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। एक दिन में 28 लोगों की मौत हुई है। देश में कुल पॉजिटिव मामले 4,281 हो गए हैं, जिनमें 3,851 मामले सक्रिय हैं। 318 लोग ठीक हुए हैं और अब तक 114 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में 13 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं, वहीं मृतकों की संख्या 72,000 से ज्यादा हो गई। इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि देश जल्द कोरोना पर काबू पा लेगा। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के आखिर में हमें उम्मीद की किरण नजर आ रही है। कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका में कोहराम मचा हुआ है। कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटों में अमेरिका में 1,050 लोगों की मौत हो गई। इससे एक दिन पहले भी अमेरिका में 1,200 लोगों की जान चली गई थी। अमेरिका में कोरोना से मरने वालों की संख्या 10,000 के ऊपर पहुंच गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत से हाइड्रोक्लोराइड दवा की आपूर्ति पर मदद की उम्मीद जताई है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि मैंने प्रधानमंत्री मोदी से रविवार सुबह इस मुद्दे पर बात की थी, अगर वो दवा की आपूर्ति की अनुमति देंगे तो हम उनके इस कदम की सराहना करेंगे। अगर वो सहयोग नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन वो हमसे भी इसी तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद रखें। कोरोना वायरस के प्रकोप से पूरी दुनिया परेशान है। हर तरफ मौतों का सिलसिला जारी है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना के इलाज के प्रभावी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन की मांग दुनिया भर में बढ़ती चली जा रही है। अमेरिका समेत लगभग 30 देशों ने भारत से इसकी मांग की है और निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध को हटाने की भी मांग की है। कोरोना को बढ़ते खतरे के बीच अब देश की तमाम अदालतें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की सुनवाई कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसकी अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट अपने राज्य में सुनवाई को लेकर नियम बनाए, निचली अदालतें इसके मुताबिक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू कर दें।
जीवन बीमा परिषद ने सोमवार को कहा है कि सभी बीमा कंपनियां कोरोना वायरस के चलते हुई मौत के सिलसिले में दावों का निपटारा करने के लिए बाध्य है। परिषद के मुताबिक सार्वजनिक और निजी दोनों जीवन बीमाकर्ता कोविड 19 से जुड़े किसी भी मृत्यु दावे के निपटाने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण का संकट गहराता जा रहा है। सोमवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 308 तक पहुंच चुकी है। अब ये आंकड़े लगातार बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। 308 में से 164 मरीज यानी आधे से ज्यादा मरीज तबलीगी जमात से जुड़े हुए हैं। यूपी में सबसे ज्यादा केस नोएडा में 58। कोरोना वायरस की वजह से लाखों देशव्यापी लॉकडाउन 14 अप्रैल को खत्म हो रहा है। हालांकि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन खुलने में देरी हो सकती है। यूपी सरकार की तरफ से ऐसे संकेत दिए गए हैं कि प्रदेश में लॉकडाउन आगे बढ़ाया जा सकता है। खुद प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी ने इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश में कोरोना वायरस का एक भी मामला रहता है तो लॉकडाउन नहीं खोला जाएगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 305 के आसपास हो गया है। कोरोना वायरस के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए मौजूदा वक्त में सैनिटाइजर की मांग तेजी से बढ़ी है। इसकी आपूर्ति के लिए यूपी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उत्पादन बढ़ाने के लक्ष्य से राज्य की योगी सरकार ने 55 कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस दे दिया और उसका प्रतिदिन करीब 70,000 लीटर उत्पादन हो रहा है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज से जुड़े कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इस बीच असम सरकार ने निजामुद्दीन मरकज में शामिल हुए जमातियों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती होकर जांच कराने का आदेश दिया है। अगर इस आदेश का पालन नहीं किया जाएगा तो उन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए प्रधानमंत्री राहत कोष में 11 लाख रुपए दान दिए गए हैं। तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय, ट्रस्टी अयोध्या राज परिवार के मुखिया विमलेंद्र मोहन मिश्र और डॉक्टर अनिल मिश्र ने जिलाधिकारी अनुज कुमार झा को कलेक्ट्रेट स्थित उनके कार्यालय पर चेक सौंपा। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा, कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी से निपटने के लिए सभी को हर स्तर की मदद के लिए तैयार रहना है। इसी क्रम में राम मंदिर ट्रस्ट भी भागीदार हुआ। यूपी के बागपत में कोरोना पॉजिटिव जमाती अस्पताल से फरार हो गया। जमाती का इलाज खेकड़ा सीएचसी के आइसोलेशन वार्ड में चल रहा था। ये जमाती नेपाल से रहने वाला है और भारत में तबलीगी जमात में शामिल होने आया था। ऋषिकेश की सड़कों पर हाथी देखा गया। हाथी मंशा देवी हरिद्वार बाईपास के नजदीक देखा गया। लॉकडाउन के बाद सड़कों पर जंगली जानवर निकल रहे हैं जिससे लोगों में भय का माहौल पसरा हुआ है। उधम सिंह नगर में एक कोरोना संदिग्ध ने फांसी लगा ली। कोरोना के डर से 65 साल का बुजुर्ग ने घर में ही फांसी लगा ली। ये कोरोना संदिग्ध यूपी के पीलीभीत जिले का रहने वाला था। मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। देहरादून के जानवरों पर भी बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण का खतरा। बढ़ते खतरे के चलते प्रदेश के सभी चिड़ियाघरों में सुरक्षा को बढ़ाया गया है। यह फैसला अमेरिका के चिड़ियाघर में बाघों में कोरोना संक्रमण होने से लिया गया। कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में भारत को अब तक जिस तरह से कामयाबी मिली है उससे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज बेहद उत्साहित हैं। सतपाल महाराज ने उम्मीद जताई है कि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में देश विजय हासिल करेगा। पर्यटन मंत्री ने जनता से अपील की कि वो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का सख्ती से पालन करें ताकि देश में कोरोना को खत्म किया जा सके। महाराज ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ की और कहा कि कोरोना के खिलाफ पीएम ने जिस तरह से रणनीति बनाई है उससे इस जंग में देश जरूर जीतेगा।
बदायूं में कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव मिलने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। बदायूं के सीईओ यशपाल सिंह के मुताबिक महाराष्ट्र में से आए 6 लोग सहसवा इलाके के एक मस्जिद में रुके हुए थे, जिसमें से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसके बाद 3 किलोमीटर दायरे को सील किया जा रहा है। वहीं डीएम का कहना है कि मरीज को बरेली भेजा जा रहा है। मरीज की पहली रिपोर्ट नेगेटिव आई थी, लेकिन रिचेक टेस्ट में मरीज की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना वायरस के कई मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप और लॉकडाउन के बीच मेरठ से एक अच्छी खबर सामने आई है। पिछले 24 घंटे में मेरठ से कोरोना का एक भी पॉजिटिव मरीज देखने को नहीं मिला। बताते चले कि मेरठ में कोरोना पॉजिटिव आंकड़ा अभी तक 32 का है, जबकि एक की मौत हो गई। सुन्नी धर्मगुरु रशीद फरंगी महली ने लोगों से अपील की है कि इस्लामिक सेंटर की ओर से जारी संदेश का पालन करें, कोरोना से बचाव के लिए हुकूमत डॉक्टर की सलाह पर अमल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी लोग अपने अपने घरों में रहें, घर पर ही नमाज पढ़ें और बीमारी के खात्मे के लिए दुआ करें। इसके साथ ही शबे बरात पर घर में ही इबादत करें, कब्रिस्तान ना जाएं। एक तरफ जहां देश कोरोना से जूझ रहा है, तो वहीं कुछ लोग जमकर कालाबाजारी कर रहे हैं। कोरोना संकट में गरीबों के राशन डकार रहे कई राशन डीलरों की दुकानों पर जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। डीएम के आदेश पर गुन्नौर और बबराला के राशन डीलरों की दुकानों को निरस्त किया गया है। इसके साथ ही 12 से ज्यादा दुकानों को भी निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। बताया जा रहा है कि डीएम को लगातार राशन डीलरों के खिलाफ शिकायत मिल रही है। हाथरस में टिकटॉक पर वीडियो बनाना एक लड़के को भारी पड़ गया। दरअसल सासनी इलाके में रहने वाला इमरान खान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर एक आपत्तिजनक वीडियो बनाया, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि जिसमें कि वो बोल रहा है कि वेलकम इंडिया कोरोना वायरस, हमसे नागरिकता का सपूत मांगने वालों पर खुदा का कहर बरस रहा है। जिस वीडियो को वायरल होने के बाद पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया है। देशभर में कोरोना वायरस का संकट है। लगातार कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए देश में लॉकडाउन किया गया है। इसके साथ ही कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए शासन प्रशासन की तरफ से तरह तरह के जतन किए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में बनी जिला जेल में कोरोना वायरस को मात देने के लिए कैदियों के द्वारा बेहद कम लागत उपकरणों को बनाया गया है। बताया जा रहा है कि जेल के अंदर आने वाले कैदियों और गाड़ियों को पूरी तरह से गेट पर सैनिटाइज किया जा रहा है। देशभर में कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा है। खबर शामली से है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीजों की दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती चली जा रही है। तबलीगी जमात से जुड़े 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। तीनों मरीज त्रिपुरा के रहने वाले हैं। बताते चले कि जनपद में अभी तक 11 लोग कोरोना वायरस की शिकार हो चुके हैं। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। उत्तराखंड में लॉकडाउन में दी जा रही ढील को कम किया जा सकता है। फिलहाल सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ढील दी जा रही है। लॉकडाउन के बीच ढील को लेकर राज्य के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत खुद समीक्षा कर रहे हैं। बदलावों के बाद सिर्फ 2 घंटे की ही ढील मिल सकती है। रुद्रप्रयाग में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि और सलामी दी। इस दौरान शहीदों के परिवार भी मौजूद रहे। कानपुर में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद प्रशासन सख्त हो गया है, जिसके चलते आज से शहर पूरी तरह से हुआ लॉकडाउन कर दिया गया। अब सुबह 4 बजे से 11 बजे तक मिलने वाली छूट भी खत्म कर दी गई है। जरूरत के सामान की होम डिलीवरी की जाएगी। काशीपुर पुलिस ने सोशल मीडिया पर लॉकडाउन के दौरान देश के प्रधानमंत्री के द्वारा देशवासियों से की गई अपील का मजाक उड़ाने और आम जनमानस की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में एक युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं काशीपुर एसएसपी राजेश भट्ट ने जनता से अपील की है कि ये मेडिकल इमरजेंसी का समय है, इसमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए किसी भी धर्म या जाति के विरुद्ध टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। उत्तराखंड में स्वास्थ्य से जुड़े तमाम साजो सामान की आपूर्ति समय से करने के लिए नोटिस जारी किया गया है। कोरोना वायरस महामारी के बीच स्वास्थ्य महानिदेशक ने पत्र लिखकर ऐसे सभी आपूर्तिकर्ताओं को स्वास्थ्य किट और सामान की आपूर्ति समय से करने के निर्देश दिए हैं।
स्वास्थ्य विभाग इन दिनों कोरोना वायरस पर रोकथाम के लिए जरूरी साजो सामान की खरीद कर रहा है। मास्क, सैनिटाइजर, पीपीई किट और वेंटिलेटर के साथ तमाम दूसरी जरूरतों के लिए विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं और कमी होने पर सीधी खरीद भी की जा रही है। कुछ दिन पहले डोईवाला पुलिस द्वारा दिल्ली तबलीगी जमात से लौटे दो संदिग्ध मुस्लिम युवकों को क्वारंटाइन किया गया था, जिनके सैंपल लेकर स्वास्थ्य विभाग को भेजे गए थे। स्वास्थ्य विभाग की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ये दोनों युवक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों में दहशत का माहौल पैदा हो गया। पूरे देश में लॉकडाउन में जनता घरों में है, वहीं लॉकडाउन का फायदा उठाकर लकड़ी तस्कर लकड़ी काट रहे हैं। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के हाथी पॉइंट बीट रामनगर वन प्रभाग के कोसी रेंज के अंदर आता है। लकड़ी तस्कर इस बीट के अंदर कई शीशम के पेड़ काट डाले। कोरोना की इस महामारी में जहां सरकार लगातार संक्रमण के रोकथाम को लेकर काम कर रही है, वहीं कई ऐसे कोरोना फाइटर्स भी संक्रमण के रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में खटीमा के ब्लॉक प्रमुख रणजीत सिंह नामधारी ने भी विकास खंड के गांव को सैनिटाइज करवाया। वहीं ब्लॉक प्रमुख आरोग्य मिशन के तहत मेडिकल किट का निर्माण करा रहे हैं और मेडिकल किट का उपयोग प्राथमिक उपचार की तरह किया जा रहा है। लॉकडाउन के बीच कानपुर नगर के जिलाधिकारी ने जिला को सुरक्षित रखने के लिए शक्ति बढ़ा दी है, जिसका असर कानपुर नगर कानपुर देहात के बॉर्डर पर देखने को मिल रहा है। दिल्ली से लेकर लखनऊ जाने वाली सभी गाड़ियों की जांच कर उनको बॉर्डर क्रॉस किया जा रहा है। आरएनटीवी की टीम ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया।